देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केस चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी जी को बुलाया गया है अभी ईडी के द्वारा, ईडी कौन है? तो ईडी इकोनॉमिक के जो जितने भी केसेस होते हैं, जो आय से अधिक संपत्ति के केसेस होते हैं और जिसमें पैसों का लेन देन बहुत बड़े पैमाने पे होता है, तो उसको वो सॉल्व करते हैं। अब होता क्या है कि उनको बुलाया गया, अब ये क्यों है? नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो 1938 में नेहरू जी ने चालू किया था। 5000 क्रांतिकारियों को उसमें बनाया गया था शेयर होल्डर, जो कि घट के 1067 रह गए थे। अब उसमें बहुत सारी संपत्ति उस अखबार के नाम से ले ली जाती है और ज्वाइन किया जाता है। लगभग 2000 की संपत्ति, 2000 करोड़ की अधिक से संपत्ति ले ली जाती है। मुंबई, कलकत्ता, उज्जैन, लखनऊ और दूसरी जगह इंदौर में ली जाती है। तो ये सब लिया जाता है। अब सन 2000 में बोला जाता है कि ये कंपनी तो 90 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब एक संपत्ति उसको बेच के 90 करोड़ रुपए पूरा कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, अपनी ये पूरी संपत्ति हथियाने के लिए ये क्या करते हैं कि एक दूसरी कंपनी को ये करार करते हुए बेच देते हैं कि आप ये 90 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो देनदारी जो है वो दूसरों को दोगे और हम ये कंपनी आपको दे दें। अब पहले शेयर होल्डर कौन थे? तो इसमें शेयर होल्डर थे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, और दूसरी जो कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड जो लेने वाली है उसमें शेयर होल्डर कौन है? तो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, मोतीलाल वोरा जी हैं और ऑस्कर फर्नांडिस जी हैं। मतलब बेच भी ये वही रहे हैं और खरीद भी वही रहे। हम ये बोलते हैं कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, और क्या सुप्रीम अथॉरिटी है ईडी, उसके ऊपर कोर्ट नहीं है? अगर आप सही हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर आप सही हैं तो आप वहां से छूट जाइए, बात खत्म। आप अपने कोर्ट, आप अपने पेपर पेश करिए, और 3 दिन जो लग रहा है उसमें, वो 3 दिन ईडी के कारण ही नहीं लग रहा है, वो राहुल गांधी जी के कारण लग रहा है। वो हर बयान लिखवा रहे हैं और राहुल गांधी जी को हम सब जानते हैं कि लिखना उतने अच्छे से नहीं आता है, वो हिंदी भी अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, वो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से वो लेट हो रहा है। और राहुल गांधी जी खुद सोचते हैं कि मैं कल बताऊंगा, या ये वाला सोचा नहीं है। उनको सब पढ़ाया लिखाया गया है और उसके बाद उनको बोला गया है कि ये आपको क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आपको ऐसा देना है, लेकिन कई कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सिलेबस के बाहर है, तो उसमें वो राहुल गांधी जी चकरा जाते हैं। इस वजह से डिले हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के 38% जो है शेयर, जो यंग इंडिया कंपनी के लिमिटेड है उसमें 38% शेयर है, ये मालिक है, उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लाया और ये आपने कैसे किया। वो सभी चीज़ें जब स्पष्ट कर देंगे तो वो छूट जाएंगे और वो कर्ज भी माफ़ कर दिया जाता है। और उसके बाद अब ये जो वित्तीय जो लेन देन है, इतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने हथियार, जो कि अखबार को दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट को अखबार जब बंद हो गया तो गवर्नमेंट को वापिस दे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो हथियार दी गई। अब हथियार दी गई तो इसके लिए तलब किया गया ईडी के द्वारा। अब ये ईडी में के पास जाते हैं और सत्यमेव जयते का इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं। हाँ, सत्यमेव जयते है, कौन बोल रहा है? सदियों से था, है और रहेगा। सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव हारते तो है ही नहीं। अब जो जब वो जाते हैं अंदर तो वहाँ पर जाके ऐंठन दिखाते हैं, बोलते हैं बाहर का जो तापमान है बहुत गर्म है और आप मेरे से ठीक से पेश आए, तो ठीक से ही पेश आ रहे हैं सब। अब ईडी ने और बाहर जो इनके जो चेले चपाटे हैं और जो उनके तथाकथित जो अनुयायी हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी के द्वारा किया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे, क्या मोदी जी ईडी
को पेंडल कर रहे हैं? क्या आप जज के सामने ये खड़े होके बोल सकते हैं? अभी ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी बाकी के कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ईडी का मामला इसमें लगवा दिया राहुल गांधी जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या आप जब जज के सामने खड़े होंगे